राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सत्याग्रह पर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जमकर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस व्यक्ति ने पिछड़े वर्ग को गाली दी, उसका उपहास उड़ाया, अपमान किया, कोर्ट ने जिसे न सिर्फ दोषी ठहराया बल्कि सजा भी दी एवं दोबारा याचिका लगाने पर भी उसे रद्द किया, ऐसे व्यक्ति के लिए मौन धारण कर प्रदर्शन करना व उसे सत्याग्रह का नाम देना पिछड़े वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा कृत्य है। कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी के समर्थन में आज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य पिछड़ा समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग समाज को अपमानित किया, गाली दी और न्यायालय ने जिसे सजा दी हो इस काम के लिए, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में मौन सत्याग्रह करना ये बताता है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए देश और संविधान से बढ़कर एक परिवार की चाटुकारिता करना है। न इन्हें देश से मतलब, न संविधान से मतलब। संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं एक परिवार, एक व्यक्ति की चाटुकारिता के लिए। आज यदि इनकी सरकार होती तो ये देश को आपातकाल में भी ये झोंकने से बाज नहीं आते। ये बताता है कि इन्होंने पिछड़े समाज को अपमानित किया और अब उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ये मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछड़ा समाज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी।